गुड इवनिंग, आप सबों का स्वागत है एएसएमएस की ओर से। सबों का हार्दिक अभिनंदन। क्लास 9th साइंस एटम और मॉलिक्यूल्स, इसके तीसरे पार्ट की आज शुरुआत करेंगे, जिसमें हम लोगों को एटॉमिक मास डिस्कस करना है। तो हम लोगों ने चर्चा की थी फंडामेंटल पार्टिकल्स की। तो किसी भी एटम का जो बेसिक या फंडामेंटल पार्टिकल्स है, उन बेसिक या फंडामेंटल पार्टिकल्स में एक है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। सबसे पहले इनके एब्सोल्यूट या एग्जैक्ट मास की चर्चा करें तो एब्सोल्यूट मास अगर ग्राम्स में लिखें तो इलेक्ट्रॉन का 9.11 इंटू 10^-28 ग्राम, प्रोटोन के लिए 1.7673 इंटू 10^-24 ग्राम और न्यूट्रॉन 1.675 इंटू 10^-24 ग्राम। तो इस एब्सोल्यूट मास के टर्म में देखिए, इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज्यादा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास जो हैं ऑलमोस्ट कंपेरेबल हैं, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो है ऑलमोस्ट एक दूसरे के मास के बराबर है। लेकिन यही एब्सोल्यूट के बजाय अगला हम लोग रिलेटिव मास की बात करें, और रिलेटिव मास के लिए एटॉमिक मास यूनिट जो कि कार्बन के रिफरेंस एटम के मास का 12वां हिस्सा है, यानी 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम 6 12, यानी इस वाले कार्बन एटम के मास के साथ इसको कंपेयर करेंगे। अब इसको एक रेफरेंस मानते हैं, एक यूनिट मानते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिफाइड यूनिट, जिसमें यू का सिंबल इसको देते हैं। अब इस मास का वैल्यू, यानी 1 AMU का मास अगर ग्राम के टर्म में लिखें तो टेंटेटिवली मतलब लगभग 1.66 इंटू 10^-24 ग्राम के इक्वल है। अब देखिए, अगर एब्सोल्यूट मास की बात करें तो इस मास से थोड़ा सा बड़ा है ये मास, ये भी थोड़ा सा बड़ा है, बट रिलेटिव मास में इनके मास को हम 1 AMU लिख सकते हैं। बट व्हेन दिस इज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो 10 का एक्सपोनेंट या पावर है वो -28 है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के केस में जो कंपोनेंट्स हैं, सॉरी एक्सपोनेंट्स जो 10 के हैं वो -24 है। तो दिस मास आर मच हायर एज कंपेयर्ड टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकन एज 0। तो इस बेसिस पे अगर हम लोग कोई एटम ले लें नाइट्रोजन N14, जिसके पास प्रोटॉन की संख्या है 7, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 7 है और न्यूट्रॉन की संख्या भी 7 है। अब एब्सोल्यूट मास का जिक्र करें तो एब्सोल्यूट मास हर एक प्रोटॉन का 1.673 इंटू 10^-24 ग्राम, और 7 के लिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन का 9.11 इंटू 10^-20 ग्राम, 28 ग्राम को फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और न्यूट्रॉन का मास 1.675 इंटू 10^-24 ग्राम, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करना है।
इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और इन सब का जो नेट सम होगा दैट विल बी एब्सोल्यूट मास ऑफ नाइट्रोजन N14 एटम। मान लीजिए कैलकुलेशन के बाद ये फर्स्ट वैल्यू जो है ये आ जाए एक्स, ये वैल्यू आ जाए वाई और ये वैल्यू हो जाए जेड, तो एब्सोल्यूट मास एक्स प्लस वाई प्लस जेड के इक्वल होगा। अब ये एब्सोल्यूट मास निकालना डिफिकल्ट भी है और साथ ही साथ इट हैज नो प्रैक्टिकल यूज। डिफिकल्ट होने के साथ साथ इसका प्रैक्टिकली कोई यूज नहीं है, इसलिए हम एब्सोल्यूट मास के बजाय प्रेफर करते हैं रिलेटिव मास को। अब देखिए 7 फोटोन का 7 AMU, 7 इलेक्ट्रॉन के लिए 0 और 7 न्यूट्रॉन के लिए 7 AMU, तो कुल मिला के ये 14 AMU है विच इज सेम एज मास नंबर, यानी जो आपने सुपरस्क्रिप्ट में लिखा है ये मास नंबर है जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या है। नीचे एटॉमिक नंबर है जो प्रोटॉन या न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि रिलेटिव मास ऑफ एटम इज इक्वल टू इट्स मास नंबर इन यूनिट्स ऑफ AMU, यानी किसी भी एटम का जो रिलेटिव मास होगा वो उसके मास नंबर के बराबर होगा। जैसे एग्जाम्पल में ऑक्सीजन 816, तो इसका अगर हम रिलेटिव एटॉमिक मास बताएं, रिलेटिव एटॉमिक मास ये वैल्यू जो है 16 AMU को करस्पॉन्ड करेगा। लेकिन इसके बजाय अगर हमने सोडियम 1123 का एग्जाम्पल लें, तो अगर सोडियम 1123 का एग्जाम्पल लेंगे तो इस केस में जो रिलेटिव मास है वो 23 AMU होगा। उसी तरह से अगर टिन एटॉमिक नंबर 50 एंड मास नंबर 119, तो इट्स रिलेटिव एटॉमिक मास विल बी 119 AMU। तो इसी हिसाब से बताइए यूरेनियम 92-238, आयरन 26-56, इसी क्रम में थोरियम 90-234, गोल्ड 79-197, सिल्वर 47 और 108। इन सब का अगर रिलेटिव एटॉमिक मास बताना है तो ये इसके मास नंबर के बराबर, यानी ये 238 है तो इसको 238 AMU लिखेंगे। यहाँ पे 56 है तो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास 56 AMU हो जाएगा। थोरियम के लिए 234 AMU, गोल्ड का 197 AMU और सिल्वर के लिए 108 AMU। ये सब इसके रिलेटिव एटॉमिक मासेस हैं। तो इस तरह से एक जनरल तौर पे हम लोग कह सकते हैं अगर किसी एटम को सिंबल आपने दिया, ऊपर एम लिखा और नीचे एन लिखा, तो MAMU जो है इसका रिलेटिव एटॉमिक मास होगा। इट्स रिलेटिव एटॉमिक मास विल बी इक्वल टू MAMU। तो ये कंसेप्ट था एटम के मास का। इसके बाद अगर हम लोग मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल जो है इट इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, यानी एटम को कंबाइन करके मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा। मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स।
अब ये मॉलिक्यूल को हम लोग दो तरह से सोचेंगे। अगर हम मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट की बात करें तो जैसे ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयोडीन, हाइड्रोजन, इस तरह के जो मॉलिक्यूल हैं उसके एक मॉलिक्यूल में दो एटम हैं तो इसको हम लोग डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। लेकिन ओजोन, इसके एक एटम में, एक मॉलिक्यूल में तीन एटम हैं, ये ट्राई एटॉमिक हो गया। फास्फोरस को नॉर्मली P4 से रिप्रेजेंट करते हैं तो फास्फोरस टेट्रा एटॉमिक है, टेट्रा एटॉमिक। सल्फर का कॉमन रिप्रेजेंटेशन है S8, तो इसमें आठ एटम है तो ये ऑक्टा एटॉमिक हो जाएगा। और जनरली एक टर्म हम लोग यूज करते हैं एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, यानी किसी एलिमेंट के एक एटम में, सॉरी, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं उसको उस एटम की एटॉमिसिटी कहते हैं। जैसे देखिए यहां जो ये पूरा लिस्ट है जिसमें दो दो एटम हैं, तो इस केस में एटॉमिसिटी ये 2 के इक्वल है। ओजोन के लिए आपने O3 लिखा जिसमें ऑक्सीजन के तीन एटम का कॉम्बिनेशन है तो इसकी एटॉमिसिटी 3 हो गई। फास्फोरस, इसकी एटॉमिसिटी 4। सल्फर, इसकी एटॉमिसिटी 8। मान लीजिए हमने एक हाइपोथेटिकल एटम से रिप्रेजेंट किया जिसको X6 से दिखाते हैं, तो इस एलिमेंट में इसके एक फॉर्मूला में 6 एटम दिखते हैं तो इसकी एटॉमिसिटी 6 हो गई। तो इस तरह से आप मॉलिक्यूल की बात करेंगे। जब हम मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड की बात करें तो इसमें क्या होगा, टू और डिफरेंट सॉरी इसको रिपीट करते हैं, टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। वो किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगा, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम लोग बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की तो फॉर्मूला HCl है। अगर बात करें नाइट्रिक एसिड की तो फॉर्मूला है नाइट्रिक एसिड का HNO3। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका फॉर्मूला होता है NaOH। अगर पोटेशियम कार्बोनेट की चर्चा करें तो पोटेशियम कार्बोनेट फॉर्मूला है K2CO3। इसी लिस्ट में अमोनिया का केस लें तो अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। मॉलिक्यूल के इस केस में भी किसी एक मॉलिक्यूल में, कंपाउंड में,
अलग अलग एलिमेंट के जितने एटम्स हैं, सारे एटम को जोड़ के जो नेट वैल्यू आएगा वो उस कंपाउंड की एटॉमिसिटी हो गई। जैसे इसमें देखिए, नाइट्रोजन का एक और हाइड्रोजन का तीन एटम है, तो इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया एटॉमिसिटी इज 4। हियर 1H एंड 1Cl, तो एटॉमिसिटी ओनली 2 हियर। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन ऐड कीजिएगा तो एटॉमिसिटी 5 हो जाएगी। NaOH वाले पार्ट में 1, 2 और 3, तो यहाँ 3 हो गया। K2CO3 में पोटेशियम के 2 एटम, 1 एटम कार्बन का 3 और 3 ऑक्सीजन का, तो इसकी एटॉमिसिटी 6 हो गई। तो इस तरह से किसी भी एलिमेंट के एटॉमिसिटी की बात करेंगे, सॉरी, किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल के एटॉमिसिटी की बात करेंगे। अब हमको ये सीखना है कि हाउ टू राइट डाउन फॉर्मूला ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। अब जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अब इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट हैं एच और सीएल। इसकी वैलेंसी के हिसाब से हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 और क्लोरीन की वैलेंसी भी 1। और किसी भी कंपाउंड में जब एटम आपस में कंबाइन करेंगे तो ओवरऑल वैलेंसी सेम होना चाहिए। इसका मतलब अगर एक हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है और क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 है, तो ये आपस में एक बॉन्ड करके अपनी वैलेंसी को पूरी करेंगे। इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला HCl है। लेकिन अगर यही हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से कंबाइन करना है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, लेकिन ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2। इसका मतलब हाइड्रोजन का एक एटम ऑक्सीजन से कंबाइन नहीं कर पाएगा। अगर आप हाइड्रोजन के 2 एटम लेंगे तो 2 एटम मिलके टोटल 2 वैलेंसी हो जाएगी, और ऑक्सीजन के 1 एटम की वैलेंसी 2 है, इसलिए वाटर के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला हो गया H2O। उसी तरह से अगर हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनाना चाहें, तो वैलेंसी के हिसाब से नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, तो मतलब एक नाइट्रोजन के लिए 3 हाइड्रोजन चाहिए वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए, इसलिए अमोनिया के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला हो गया NH3। इस तरह से हम लोग वैलेंसी की बात करते हैं। अगर थोड़ा वैलेंसी के बारे में सोचें कि वैलेंसी ऑफ एन एटम इज रिलेटेड टू इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी किसी भी एटम की वैलेंसी जो है वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। वैलेंसी ऑफ एटम इज रिलेटेड टू इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते किसको हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल और वैलेंस ऑर्बिट इज कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी जो है इंडिकेट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ड्यूरिंग बॉन्डिंग ये वैलेंसी बराबर होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट में वी से दिखाएं, व्हेन वी इज 1, 2 और 3 से अप टू 4। लेकिन ये वैलेंसी जो है
ये इक्वल होता है 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 4 5 6 7, 4 5 6 7। तो इस हिसाब से किसी भी एटम की वैलेंसी हम लोग डिसाइड करते हैं। अब लॉजिक इसका यह है कि जैसे आपने पिक किया लिथियम, एटॉमिक नंबर 3 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फेशन है 2 1। इसके नजदीक का जो नोबल गैस या इनर्ट गैस है, इससे पहले हीलियम विथ एटॉमिक नंबर 2 और बाद में नियॉन विथ एटॉमिक नंबर 8, हम चर्चा कर रहे हैं लिथियम 2 1 की। तो देखिए, हीलियम विथ एटॉमिक नंबर 2, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फेशन 2 है। लिथियम विथ एटॉमिक नंबर 3, इसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन 2 1 है। नियॉन विथ एटॉमिक नंबर 10, नियॉन विथ एटॉमिक नंबर 10, तो नियॉन का इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन 2 8 है। अब इसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन की चर्चा करें तो 2 1 8। इसके केस में इनर्ट गैस में 2 इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस डुप्लेट कहलाता है, 8 के प्रेजेंस को ऑक्टेट कहते हैं। यहां पे पहुंचना आसान है, मतलब हीलियम की तरफ। तो अगर इसका एटम इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो ये लिथियम 2 में कन्वर्ट होगा और इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन अगर लिथियम के बजाय आपने क्लोरीन की बात की, एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन 287, ये 7 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, और पीछे जो हमने फॉर्मूला लिखा उसके आधार पे वैलेंसी में 8 माइनस 7 से 1 होगा। और इस 1 के लिए इसको क्या करना है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोरीन जो है ये आर्गन 18 मीन्स 288 के कॉन्फिगरेशन को अचीव कर सकता है, और गेन करने का मतलब एक नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस तरह से किसी भी एटम के वैलेंसी को हम लोग बताते हैं। अगर बॉन्ड कोवेलेंट हो तो वैलेंसी को कोवेलेंसी कहते हैं, एंड इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय एन एटम बाय एन एटम ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय एन एटम ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन इसी तरह से अगर आयनिक वैलेंसी या इलेक्ट्रो वैलेंसी की चर्चा करें, तो आयनिक या इलेक्ट्रो वैलेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट गेन्ड बाय एटम ड्यूरिंग बॉन्डिंग। और जनरली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलेटेड होगा मेटल से, और इलेक्ट्रॉन को लूज करके केटाइन विल बी फॉर्म्ड। लाइक सोडियम विथ एटॉमिक नंबर 11, 281 है। अब इनर्ट गैस के लिए इसको 28 पे पहुंचना है, तो ये 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करके Na प्लस का कैटायन बनाएगा। इसी के बाद एटॉमिक नंबर 12 में मैग्नीशियम 282 है, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए जब 28 पे आना है तो इसको अपने 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज करने पड़ेंगे। और सिमिलरली एल्यूमिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 13 है,
इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन 283 का होगा, और ये तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपना लूज करेगा। जैसे देखिए, पहले इसने अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करके प्लस वन का चार्ज, दो के साथ प्लस टू का चार्ज, और थ्री के साथ एल्युमिनियम पे चार्ज प्लस थ्री का होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस जो है वो मेटल को, एटम को उसके कैटायन में कन्वर्ट करता है। लेकिन वही अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ये जनरली हम लोग ऑब्जर्व करेंगे नॉन मेटल के एटम्स के द्वारा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज का आयन यानी एनायन प्रोड्यूस होता है। नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लीजिए, एटॉमिक नंबर 7 में 2.5 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फेशन है। ऑक्टेट से इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन कम है, इसका मतलब इसकी जो वैलेंसी है ये 3 यूनिट होगी। लेकिन ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है 2.8 तक पहुंचने के लिए। ऑक्सीजन देखिए, एटॉमिक नंबर 8, 2, 6, इसको भी ऑक्टेट पे आने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना होगा। यहाँ फ्लोरीन जो है ये 9 के साथ 2.7 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फेशन है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए F9 में आएगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने जितने भी यूनिट्स दिखाए हैं, इन सारे यूनिट पे टोटल इलेक्ट्रॉन 10 यानी 2.8 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फेशन है। इन सबको कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, यानी ऐसे आयंस जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। इसी तरह से अगर हम 2.8 के साथ कैटायन की बात करें, Na प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस, हाइपोथेटिकली अगर सिलिकॉन प्लस 4 बना पाए तो ये सब के सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है 8 इलेक्ट्रॉन के साथ, ये कैटायन का पोर्शन, और इधर ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है 8 इलेक्ट्रॉन के साथ, ये एनायन का पोर्शन। तो कुल मिला के 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों में है। टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 इलेक्ट्रॉन की यहाँ भी है और 10 इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ भी है। तो जिस भी आयन के लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं उनको हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। इसी कड़ी में अगर हम एच माइनस, एल आई प्लस और बी टू प्लस का जिक्र करें, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, लिथियम एटॉमिक नंबर 3 और बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, तो इसका कॉन्फिगरेशन में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके में 2.1 है, इसके में 2.2 है। तो अगर इसने अपना ये एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो चार्ज प्लस 1 का आएगा, इसने दोनों इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये प्लस 2 का आया। लेकिन हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके हीलियम के कॉन्फिगरेशन को अडॉप्ट किया, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सबके पास यहाँ दो दो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस के सेट हैं। तो अभी हम लोगों ने आयंस की चर्चा की, इससे पहले रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला। तो इसी के साथ इस पार्ट को खत्म करते हैं। इसके अगले पार्ट में हम लोग आयोनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखना सीखेंगे, उसके बाद मॉलिक्यूलर मास, आयोनिक मास के कॉन्सेप्ट को डील करेंगे। तो अगले एपिसोड तक के लिए आप सबों को नमस्कार। इसी तरह से वीडियो को देखें, दूसरे को मोटिवेट करें। आपका मोटिवेशन हमारे लिए, ASMS के ग्रुप के लिए एनर्जी बूस्टर का काम करता है, और जितना आप इसको स्प्रेड करेंगे हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपकी भी सफलता आपके उतने ही नज़दीक आएगी। इसलिए इसको एक आदत बनाइए कि हम प्रॉपरली हर एक वीडियो को वॉच करेंगे। ये कहीं ना कहीं आपके हित को ध्यान में रखते हुए ये जो एक सीरीज चलाई गई है उसका मकसद बेसिक लेवल पे मैथ और साइंस के फील्ड में
एक तो बच्चों में फियर फैक्टर कम करना, मैथ और साइंस का जो फोबिया है उसको खत्म करना, और मैथ और साइंस के रिलेटेड जो डिफरेंट ऑब्स्टकल आते हैं आपके डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, उस अवरोध को, उस ऑब्स्टकल को दूर करना। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सबों को धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन।